हेलो वेलकम गाइस, आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चूरमे की रेसिपी। तो हमने चूरमे के लिए सबसे पहले ये मोटा पिसा हुआ आटा लिया है और ये एक कटोरी घी की ली हुई है। अब हम इसे बड़े बर्तन में डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। चूरमा राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है, इसे राजस्थान के लोग बहुत ही शौक और स्वाद के साथ खाते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर घर पर बना कर देखें। ये हमने एक कटोरी घी की ली है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमने एक कटोरी घी डाली है, इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। घी को अच्छी तरीके से मिलाएं, कुछ इस तरीके से। आप एक बार अपने घर पर ज़रूर इसे बना कर देखें, ये बहुत ही आसानी और जल्द बन जाता है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, ये सभी को पसंद आता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देख सकते हैं हमारा घी आटे में अच्छी तरीके से मिल चुका है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, हमने इसे अच्छी तरीके से मिलाया है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम आटे का डो तैयार कर लेंगे और जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा क्योंकि हमने आटे में घी मिलाया है। घी से चूरमे का और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। डो बनाने के लिए हम आटे को कुछ इस तरीके से साइड में लेकर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हम इसे अच्छी तरीके से गूंथेंगे ताकि यह अच्छी तरीके से बने। जो डो है उसकी हम रोटियां तैयार करेंगे और उसे चूल्हे पर सेकेंगे। चूल्हे पर बनी हुई रोटियों के चूरमे का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। हमें आटे को अच्छी तरीके से गूंथना है। ये घी डालने से बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही आसानी से गूंथ रहा है। इसे अच्छी तरीके से गूंथेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से डो बनकर तैयार हो। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से गूंथना है आटे को, जिस प्रकार से मैं आपको कर दिखा रही हूँ। आप एक बार चूरमा जरूर घर पर बना कर देखें, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और चूरमा खासकर बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बड़ों को भी, ये सभी को पसंद आएगा। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। अब हम इस डो की रोटी तैयार करेंगे और हाथ से कुछ इस तरीके से थपथपाएंगे, इसे गोल बनाएंगे और डो को थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमारी जो चूरमे की रोटी है वो भी मोटी बनाएंगे। डो को कुछ इस प्रकार से दबाएंगे, इसे दबाएंगे ताकि ये और भी बड़ी बने। अब हम इसे बेलन की मदद से अच्छी तरीके से बेल लेंगे, लेकिन पहले इसे गोल बनाएंगे हाथों की मदद से। इस तरह से इसे प्रेस करेंगे और बेलन की सहायता से इसे गोल बेल लेंगे। हमें रोटियों को इसी तरीके से बेलना है जिस प्रकार से हम इस रोटी को बेल रहे हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आपको चूरमे की रेसिपी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। सभी रोटियों को हम इसी प्रकार से बना लेंगे जिस प्रकार से हमने यह रोटी बनाई थी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुँच सके। हमने सभी रोटियों को बेल लिया है, अब हम
रोटियों के अंदर चाकू की सहायता से होल्स कर लेंगे, क्योंकि हमारी रोटियां मोटी हैं इसलिए वह अच्छी तरह से पक सके, इसलिए हम इनमें चाकू की मदद से छेद कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। सभी रोटियों में दोनों साइडों से छेद कर लें। अब हम चाकू को थोड़ा टेढ़ा कर और छेद कर लेंगे सभी रोटियों के अंदर कुछ इस प्रकार से। ने पहले से ही चूल्हे पर तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो हमारा तवा गर्म है। अब हम अपनी रोटी को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। चूल्हे की आंच धीमी रखें और धीमी आंच में ही रोटियों को पकाएं, ताकि यह अंदर से भी सिक सके। सकते हैं हमारी रोटी इस साइड से पक चुकी है। अब हम इसे पलटकर दूसरे साइड से पका लेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। देख सकते हैं हमारी रोटी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे किनारों से भी सेक लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको भी सेकना है रोटियों को। हमारी रोटी किनारों से भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसी तरह से सभी रोटियों को पका लेंगे। हमारी रोटियां पक चुकी हैं। इसे हमने ठंडा होने के लिए एक बड़े बर्तन में रखा है। हम इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं, इसे आराम से तोड़ें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यह गर्म भी हो सकती है। हमारी रोटियां बहुत ही आसानी से टूट रही हैं, क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट है। घी के कारण ये बहुत ही आसानी से टूट रही हैं। जब तक हम अपनी रोटियों को तोड़ रहे हैं, तब तक आपसे फिर से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपनी रोटियों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। रोटियों को हमें अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। हम जार में रोटियों के टुकड़ों को आधा आधा कर ग्राइंड करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम अपने रोटियों को ग्राइंड कर लेंगे। इसे बारीक रखना है। देख सकते हैं हमारी जो रोटियों के टुकड़े हैं अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गए हैं, और देख सकते हैं ये बिल्कुल दरदरी टाइप में पिसे हैं। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। सकते हैं जो हमारे चूरमे का टेक्सचर है वो बहुत ही दरदरे टाइप में आया है, और हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए। अब हम इसमें खांड मिलाएंगे या फिर शुगर जो कि पिसी हुई हो पाउडर फॉर्म में। अब जो हमारी खांड है उसे अच्छी तरीके से चूरमे में मिला लेंगे इस प्रकार से। इसे दोनों हाथों की सहायता से मिलाएंगे। इसे अच्छी तरीके से पूरे चूरमे के अंदर मिलाएं, ताकि चूरमे में मिठास अच्छी तरीके से आए। अब हम हमारे चूरमे के अंदर एक कटोरी घी ऐड करेंगे, ताकि हमारे चूरमे का स्वाद बहुत ही बढ़िया आए। और घी आप हो सके चूरमे के अंदर उतना ज़्यादा डालें, क्योंकि घी से ही चूरमे का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम घी को अच्छी तरीके से चूरमे में मिला लेंगे, ताकि घी जो है पूरे चूरमे के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए। आपको भी बिल्कुल हमारी तरह ही चूरमे में घी इसी प्रकार से मिलाना है। घी अच्छी तरीके से मिलने पर जो हमारा चूरमा है उसके अंदर नमी आ जाएगी। देख सकते हैं हमारा जो चूरमा है वो अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे, और सर्व करने के लिए हम इसके इस तरीके से लड्डू तैयार कर लेंगे। हमें लड्डू इसी प्रकार से बनाना है। हमारे लड्डू बन चुके हैं। हमारे जो चूरमा है वो बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारे चूरमे की रेसिपी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।